गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हमारा प्लान बन रहा है वैष्णो देवी जाने का। ब्रेकफास्ट आ चुका है, देखो एकदम गर्म गर्म गोभी है, रोटी है घी के साथ, दही है। ये अपने साथ है दीपांशु जो है, और वो मेरा भाई है निखिल, और मेरा एक कज़न है जिसका नाम है रक्षित। तो भाई ठीक 11 से 11:30 के बीच में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऊपर बहुत ठंड है वैष्णो देवी में, बैग्स टोटली पैक्ड हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक शूट दिखाऊंगा, हर एक पार्ट में शूट करूंगा, और जल्दी मेरी वीडियो आएगी नई वैष्णो देवी की। तो सी यू सून। वेलकम बैक गाइस, हम निकल चुके हैं अभी, ये हमारी गाड़ी रेडी है, ये दीपांशु अपना कैमरा सेट कर रहा है। हेलो गाइस, भाई व्लॉग बनानी है आगे, और बहुत ही धांसू व्लॉग आने वाली है यार। मैं ट्राई करूंगा कि ये व्लॉग मेरी थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है। ये दीपांशु और ये निखिल मेरा भाई भी अंदर गया, कुछ चिप्स वगैरह ले रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, निकलते हैं अभी 11:30 हो रहे हैं, 11:30 हो गए तो 3 बजे तक हम कटरा भी पहुंच चुके होंगे, और उसके बाद आएगा शूट करेंगे। वेलकम बैक गाइस, तो हम कटरा पहुंच चुके हैं, ठीक है। कटरा पहुंच चुके हैं, जो कटरा में बहुत ही मेन चीज़ होती है वो होता है वहाँ आपका टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टिकट काउंटर में ये होता है कि आपको अपनी पहचान बतानी पड़ती है, कि आपको अपना यू हैव टू शो योर आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड शो करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप किसके साथ हो, ठीक है, आपके साथ कौन कौन आया है। ये टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि अगर बाई चांस गॉड फॉरबिड कोई मिस हो जाए आपके साथ, जो आपके साथ आया हुआ है, तो ये एक ईजी वे होता है बंदे को ढूंढने का, उसकी अनाउंसमेंट होती है वगैरह। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है, मैं आपको पीछे कैमरा करके दिखाता हूँ एक बार। ये वो रास्ता है, यहाँ से आप आते हो, ये उसके एंट्री। मैं अंदर का शूट नहीं ले सकता क्योंकि अलाउड नहीं है। ये होता है अंदर जाने का रास्ता, ये देखो यहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कभी भी मिस मत करना। और यहाँ से आपको बेसिकली एक पर्ची भी मिलती है, पर्ची ये होती है कि विदाउट उसके आप एंट्री नहीं कर सकते, ये उसकी लाइन होती है। भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिना उसके आपको एंट्री नहीं देते, तो ये होती है वो पर्ची जिसमें लिखा होता है श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड। इसके बिना ये पर्ची आगे जाके आपको दिखानी पड़ती है, इसके बिना ना आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कभी भी आप वैष्णो देवी आओगे तो इसको अपने साथ जरूर रखना, इसके बिना आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलते हैं आगे भाई, वो ऊपर माता का धाम, ठीक है, वहीं जाएंगे अभी हम। वो रास्ता है आपका जाने का जो मैंने आपको बताया था उधर से, ठीक है। ओ देखो ऊपर, अगर आप देख पा रहे हो, अगर मेरा कैमरा इतना जूम है, वो देखो ऊपर, उसको बोलते हैं भवन, माता का भवन, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो भाई ये देखो, ये है वो फिस्किंग पॉइंट, जो कि आपको पर्ची लेने के बाद, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो पर्ची होती है ना, इसके बाद यहाँ पे आपका फिस्किंग पॉइंट होता है, यहाँ के बाद आपकी एक्चुअली में चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो चलते हैं आगे, अपने साथ पूरे अपने भाई भाई खड़े, रक्षित खड़ा है, वो देखो उधर उनका फोटोशूट चल रहा है। तो यहाँ से होता है इसका रास्ता जाने का, ये रास्ता है इसका जाने का। यहाँ पे आपको डाउट वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा होगा लेडीज जेंट्स, आपको बस देखना है। यहाँ से इसका जाने का वे है। फिस्किंग पॉइंट एक ऐसी जगह है कि
यहाँ से इसके बाद जो है आपकी पूरी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको दिखाई थी पर्ची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कभी भी मत खोना। कभी भी आपको वैष्णो देवी आने का चांस मिले, माता रानी के दर्शन हो, माता रानी का बुलावा आए, तो ज़रूर आना। और जरा एक बार ऊपर लुक देख लो, वो रहा ऊपर, हमको वो वहाँ पे जाना उधर। तो वेलकम बैक गाइस, आ चुके हम, चढ़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है यहाँ से जाने का रास्ता, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्रिस्किंग पॉइंट। बहुत ही मेन चीज़ है ये, कभी भी मिस मत करना आप। यहाँ से पीछे जो रास्ता दिख रहा है, हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, चलते हैं आगे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're धीरे-धीरे सांस फूलना स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, थोड़ा सा जो है थोड़ी चढ़ाई होती है, आगे जाके नॉर्मल हो जाता है। ये देखो रक्षित है, वो पीछे आ रहे हैं, वो दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। ठंड हो रही है, कितना टाइम होना रक्षित? 3 बज रहे होंगे, 3 बज रहे हैं, लेकिन आई कैन फील दिस कोल्ड एयर। यू कैन सी क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, बट मज़ा आ रहा है। आज फ्राइडे है, थर्सडे है, सॉरी क्या फ्राइडे, आज ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। थर्सडे या फ्राइडे चेक कर ले पहले, थर्सडे है जो भी है छोड़ो, पर बहुत मज़ा आ रहा है। आई गेस मैं कुछ 4 साल बाद आ रहा हूँ वैष्णो देवी, सिंस आई टोल्ड यू कि मेरी जो नेटिव प्लेस है वो जम्मू में ही है। हाँ ये देखो, यहाँ से जो है ना, अब यहाँ से चढ़ाई जो है वो नॉर्मल हो गई है, प्लेन सर्फेस हो गया। आगे चलते हैं, बातें करते हैं और जल्दी मिलते हैं भाई। आगे चढ़ाई चढ़नी है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी। जितनी चीज़ें आप नीचे से लोगे ना, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ऊपर जाके चीज़ें हो जाती है एक्सपेंसिव, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये शॉप है, यहाँ पे एक स्विंग की बॉटल ले ली तूने, ठीक है, 4 स्विंग ले ली है, ओके बड़ी। मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ें अभी ले लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं निखिल, ले लो ले लो, अभी ले लेते हैं, ऊपर जाके फिर चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाएंगी। तो ये चीज़ सुन लेना भाई, 3:15 हो रहे हैं, आई गेस अक्षित 8 बजे तक ऊपर पहुंच जाएंगे हम, हैं तो 8 बजे तक आप मान के चलो। ओहो यार ये घोड़े से थोड़ा डर लगता है। 8 बजे तक आप मान के चलो कि हम ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर हम इन्जॉय करेंगे भाई। चढ़ाई चढ़ते वक्त एक जगह आती है जिसको बोलते हैं बाणगंगा, और देखो नीचे है। इस चीज़ की मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था, रक्षित बता। भवन की तरफ जाते तरफ जब हनुमान जी और माता रानी जा रहे थे, हाँ। तो उनको ना प्यास लगी थी हनुमान जी को, तो उन्होंने माता रानी ने बाण मार के एक पानी निकाला था, वो उसको बोलते हैं बाणगंगा। देख लो भाई, इसलिए इस जगह का नाम रखा हुआ है बाणगंगा। बाण का पानी पीने के बाद माता रानी ने अपने केश जो होते हैं बाल, उनको धोया था। ये देखो, ये जो नीचे आपको दिख रही है ना, जो प्यारी सी नदी जा रही है सुंदर सी, पीछे से निकल रही है, ये पीछे से निकल रही है, ठीक है। और ये है बाण, बाण का मतलब होता है जहाँ पे त्रिशूल मारा था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है वो, ये देखो कैसे लोग नहा रहे हैं नीचे, देख रहे हो पहाड़ों से आ रहा ऊपर। चढ़ाई कंटिन्यू है, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। रास्ते में चलते वक्त एक जगह आती है जिसका नाम होता है अदकुवारी। अदकुवारी का मतलब है कि आप हाफ जो है अपना ट्रैक
कवर कर चुके हो, वो अभी नहीं आएगी, इस बारे में अभी टाइम है। आई गेस 2 घंटे लगते हैं उसको आते आते, चढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। तो आधे कुंवारी का मतलब ये है कि आपने कटरा से लेके आधे कुंवारी का रास्ता आपने आधा कंप्लीट कर लिया है, और आधे कुंवारी से लेके भवन तक का रास्ता जितना आपने कटरा से आधे कुंवारी तक किया है उतना ही सेम आपका आधे कुंवारी से भवन तक है। जब आधे कुंवारी आएगा मैं आपको बताऊँगा। ये देखो ये पानी जो है सीधा पहाड़ों से आ रहा है, और जो मैंने आपको आगे दिखाया था बाण गंगा, वो यहीं से आ रहा है सारा पानी, और यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ वहाँ पे जा रहा है। बहुत ही चिल्ड पानी है, और ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे अभी जब हम ऊपर भवन में पहुँच जाएंगे तो होता क्या है कि आपको दर्शन करने से पहले आपको नहाना पड़ता है। वो पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होता है, लेकिन ये जो पानी आ रहा है ना ये सीधा पहाड़ों से आ रहा है। वो देख रहा हूँ ऊपर, वो अगर आप देख पा रहे हो तो वो देखो ये सीधा पानी वहीं से आ रहा है। भाई अभी तो 5% रास्ता भी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे नहीं चले जाता है यहाँ पे, ऑफकोर्स चढ़ाई है अभी तो ऊपर जो भैरव बाबा हैं, क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पे एक मान्यता बताता हूँ क्या होती है। माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने दर्शन नहीं किए ना तो आपके वो आधे दर्शन माने जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अगर आपसे नहीं चले जाता है ना तो यहाँ पे आपको घोड़े मिलेंगे, एक पिट्ठू होता है, उसमें क्या होता है कि 8-9 लोग आपको बिठाते हैं, एक काउच टाइप का होता है तो उसमें आपको बिठाते हैं, उसमें आपको ले जाते हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं, ऑटो हैं आपके, अगर आपसे नहीं चले जाता है तो यू कैन टेक दोज सर्विस ऑल्सो। तो मिलते हैं आगे। भाई 10 मिनट का रेस्ट लिया हमने, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो स्वेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। हम सब बैठे हैं इधर, ये अपना दीपांशु ब्लॉगर और आपका जो सुमित शर्मा, तो बैठे हैं, 10-15 मिनट की रेस्ट लेंगे, उसके बाद सीधा हम आपको मिलेंगे आते कुंवारी में। भाई हालत बहुत बुरी है, आप देख सकते हो मेरी सांस कितनी फूल है, रक्षित को देख लो भाई, इसकी तो टी शर्ट ही पसीने पसीने हो गई है। भाई अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो? हाँ उतर रहे हैं। तो अच्छा उतर रहे हो, दर्शन करके आ गए? दर्शन करके आ गए हम तो। लकी हैं भाई, कल गए थे, कल गए थे 3 बजे शाम, लकी हैं भाई सुबह दिन में भाई टोटल 525 सीढ़ियाँ हैं, रात को मार रुके थे 525 सीढ़ियाँ, 525 में से 360 सीढ़ियाँ ये हैं जो मैं अभी चढ़ रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये सीढ़ियाँ बहुत ही गंदी हालत हो जाती है चढ़ते चढ़ते, अभी हमने हाफ भी नहीं चढ़िया। आप दर्शन करके आ गए भैया? ये देखो एक बार हाय बोल दो। भाई ने दर्शन कर लिए हैं, चलते हैं आगे, स्वेटिंग बहुत हो रही है, सच में बहुत हो रही है, आगे क्या होने वाला पता नहीं, इसकी तो सांसें फूल गई हैं, ठीक है। 360 सीढ़ियाँ कम नहीं थी टोटल जो है, जब आप चढ़ाई स्टार्ट करते हो ना, सो चढ़ते साथ ही थोड़ा आगे आके ना 525 सीढ़ियाँ हैं टोटल जो हैं, 525 में से 215 नीचे हैं और 360 ये हैं, इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, हाँ 600, तो टोटल ये 625-630 के आसपास है सीढ़ियाँ। तो चढ़ते हैं, सीढ़ियों से ये होता है कि आपका जो आधा रास्ता होता है ना वो थोड़ा कवर अप हो जाता है और कुछ नहीं होता, लेकिन जो हालत होती है ना डेड, देख लो मेरा फेस। आगे मिलते हैं आपको सीधा तक। गाइस एक मेरे को मेरा सब्सक्राइबर मिल चुका है, इसका नाम है अनिरुद्ध अच्युत राणा। तो भाई ये भाई चढ़ाई चढ़ रहे थे मेरे साथ, तो भाई ने बोला कि मैं आपका चैनल देखता हूँ, तो भाई कैसे लगते हैं आपको मेरी वीडियोस? वेरी ऑसम, जहरीली गाइस, आप भी देखो, सब्सक्राइब मत करना, सॉरी सब्सक्राइब करना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, सब्सक्राइब मत करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम आ रहे हो वैष्णो देवी? फर्स्ट टाइम आ रहे हो? मैं जम्मू से ही हूँ, तो मेरा ये 13वीं बार है, लेकिन मैं अब चढ़ाई चढ़ रहा हूँ कुछ दो तीन साल बाद, ठीक है। आपके साथ कौन कौन है इधर? मेरी पूरी फैमिली है, फादर मदर एंड सिस्टर। पीछे आ गए हैं वो? पीछे। ओह लड़कों में स्टैमिना अच्छा होता है भाई, ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं आपको सीधा आगे। भाई अधे कुंवारी में हम पहुंच चुके हैं, ठंड होना बहुत स्टार्ट हो गई है,
आप देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बैठा हमारे साथ दीपू जो कि पकौड़े लपेट रहे हैं। अदा गुआर एक ऐसी जगह जो मैंने आपको पहले बताया था, एक मिड पॉइंट है जो कि आप हाफ रास्ता कवर कर लेते हो। यहाँ पे आओ, हम तो भाई चाय के मजे ले रहे हैं, गरम गरम चाय पियो, पकौड़े खाओ, राजमा चावल यहाँ पे बहुत फेमस है, राजमा चावल खाओ। हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है, सीधा मिलते हैं आपको भवन में। यहाँ से बस 7 किलोमीटर की चौड़ाई और है, 7 किलोमीटर हमने कटरा से लेकर अदकवारी तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो मिलते हैं इसके बाद सीधा भवन में आपको। भाई जलेबी वगैरह खा लिए, समोसे खा लिए, यहाँ से हमारा भवन का रास्ता स्टार्ट हो गया, तो चलते हैं। जय माता दी भाई। ये है रास्ता भवन से जो हम जा रहे हैं। हाँ भाई, हाँ ये हम जा रहे हैं भवन की तरफ। अदकवारी तक हमने आधा रास्ता कम्प्लीट कर लिया है। एक्चुअली में भवन के दो रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता नीचे से और ये नया रास्ता है, तो मैंने आपको दिखाई दिया था वी टू भवन के लिए, तो चलते हैं सीधा, मिलते हैं भाई। भाई हमको तो चाय पी के, दीपू तेरे को कैसा लगा चाय पी के? बहुत बढ़िया लगा, पता है थोड़ा सा खा पी के ना अब अच्छी फीलिंग हो गई, रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि अगर आप घर से खाना खा के भी आओगे ना, पेट भर के भी आओगे, तो फिर भी आपको ना भूख लग जाएगी, क्योंकि चढ़ाई बहुत है यार, ठीक है, तो इसलिए तो मिलते हैं आगे। जय माता दी। भाई अभी हम आ चुके हैं हिमकोटी। अदकवारी के बाद एक रास्ता आता है, उसका नाम है हिमकोटी। ये देखो, ये है चेक पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक जस्ट एक बैग रेगुलर चेक होता है, चेक करते हैं कि आपके बैग में क्या है, आपकी फिर चेक करेंगे, कुछ नहीं होता। इस जगह का नाम है हिमकोटी। हिमकोटी से सीधा रास्ता है लास्ट में जो है भवन का, तो चलते हैं सीधा माता के दर्शन में। जय माता दी। जय माता दी। पटियाला के रहने वाले हो? तो थोड़ा सा रुक गए हम यहाँ पे यार, आग जल रही है देखो, तो सोचा थोड़ा हाथ सेक लें। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी जय माता दी। गलत बता दिया किसी ने, उधर नीचे उतर के कपड़ा धो के वापस। गलत बात है ये, गलत बात है, गलत नहीं बताना चाहिए। भगवान के रास्ते पे आप जा रहे हो, जाता वो भी था उधर को नीचे को, और आप लोगों को गलत डायरेक्शन बता रहे हो, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है यार। सारी रात को मिल जाएगा, सही बात है। चलो जो पैसा का खर्च हो गया उस चाय पे। भाई ठंड बहुत हो रही है सच में, लिटरली। और ये जो हाथ सेका जा रहा है ना, बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, बिलीव मी। क्या कहता है दीपू भाई? बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है यार। आई गेस 10 डिग्री टेम्परेचर था, अभी शायद 9 से 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया होगा, तो हाथ सेक रहे ऊपर जाके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ अभी ठंडी बढ़ेगी, अभी तो ऊपर जाना है जब। हेलो गाइस, तो कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज चुके हैं, और सिर्फ 750 मीटर हम माता रानी से दूर हैं। मैं आपको अभी दिखा नहीं सकते, एक्चुअली मैं भवन अभी दिख रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे पास जाते हो ना भवन, वैसे वैसे दूर होता जाता है वो रोड। एक्चुअली में जो रोड है ना ये वाली, ये मूर्ति जाती है आगे, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो 750 मीटर और दूर है, ठीक है, चलते हैं माता रानी के दर्शन लेके आते हैं, और माता रानी के चरणों से जो पानी निकल रहा है उससे हम स्नान करेंगे। ये हमारे साथ आंटी, आंटी जय माता दी। भाई देख लो सभी खुश हैं, सबको मजा आ रहा है। आंटी कितने कितने बार आ रखे हो वैष्णो देवी? 5वीं बार। फिर भी आंटी हिम्मत है, आप पे चल रहे हो आप, को भी नंगे पैर। आंटी अगर आप चल सकते हो ना, तो हम भी चढ़ सकते हैं, ठीक है, शक्ति देने वाली, शक्ति देने वाली। जय माता दी। तो भाई सिर्फ और सिर्फ 750 मीटर दूर है, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो भाई फाइनल इंतजार खत्म हुआ है, माता रानी के दर्शन मिलने वाले हैं, हो रहा देखो भवन। फाइनली भाई 14 किलोमीटर के बाद हम भवन पहुंच चुके हैं, बस थोड़े ही रास्ते दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट का रास्ता है, आज भी चल रही है माता की, तो चलते हैं, नहाते हैं, चेंज करते हैं, माता रानी के दर्शन देते हैं, इसके बाद से मेरा फोन मिल जाएगा ड्रॉप, फोन कर लेते हैं वो जब आप, अगर शूट नहीं कर पाऊंगा तो मिलते हैं जल्दी। जय माता। भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं भवन में,
जा रहे हैं नीचे स्नान करने। एक बार जरा आप भीड़ देख लो, ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, जो लाइन देख रहे हो, ये सारी जो है माता के दर्शन के लिए लगे हैं लोग। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आरती होती है ना तो आपको 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लोग बैठे होते हैं। तो ये लाइन पीछे से आ रही है और ये लाइन पूरी चल रही है आगे तक, बहुत ही लंबी लाइन है, ये चलती जाएगी आगे तक। तो बस थोड़ा टाइम का और वेट है, चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपको जल्दी। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि 9 बजे तक हम भवन पहुंच जाएंगे। दीपांशु कितना टाइम हो रहा है? 8:30-9 बजे 8:30 हाँ, लेकिन हम आधा घंटा पहले पहुंच चुके हैं। जस्ट अभी नहा के बाहर निकला हूँ, अब दीपांशु से पूछ लो कि कैसा हाल है। भाई मानो ना, इतना ठंडा पानी ना भाई, मैं आज तक नहीं नहाया कभी, और इतना ठंडा पानी ना भाई, अगर आप नहा लो ना भाई, जम गए हैं भाई, और इतना धीरे धीरे स्पीड में आ रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट भाई अब फ्रेश हो चुके हैं एकदम, और थकान भी थोड़ी ठंडे पानी से हट गई, और माता रानी के दर्शन करेंगे भाई। एक्चुअली में होता क्या ना, ये पानी आता है पहाड़ों से, और जो पानी का पहाड़ होता है वो आपको पता ही है कि पानी का जो सॉरी जो पहाड़ों का पानी होता है वो कितना ठंडा होता है, कितना चिल्ड होता है। तो भाई लाइन जो है बहुत लंबी है, ये आप देख सकते हो, ये लोग हैं, ये लाइन यहाँ से लगा रखी है उन्होंने, और ये वहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली में हुआ कहता ना कि 7:30 के आसपास जो है ना आरती स्टार्ट हो जाती है, तो जब आरती स्टार्ट होती है ना तो लाइन को रोक देते हैं कुछ 1-1.5 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए लाइन को रोक देते हैं, सो दैट पीछे से क्राउड ना आए। आपको पता है कोविड चल रहा है वैसे भी, सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड लग गया, ठंडा पानी है। तो अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा था यार, कटरा से लेके अधकवारी और अधकवारी से लेके हिमकोटी, हिमकोटी से लेके भवन तक, बहुत ही एडवेंचर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे शूट्स लिए हमने। ये जो मेरी वीडियो आने वाली है ना, आई गेस यू गाइज विल लाइक इट एंड आई नो यू विल लाइक इट। तो ये था अभी तक का शूट हमारा, ठीक है। और अंदर फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेदर के कुछ भी आइटम्स अलाउड नहीं है, आपकी बेल्ट, आपका पर्स, सब कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन भी अलाउड नहीं है। फ़ोन आई गेस आप लेके जा सकते हो, मैंने पूछा था वहाँ पे किसी से, लेकिन फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं, तो इस बेटर कि हम फ़ोन ही जमा करवा देंगे। लॉकर रूम है वहाँ पे नीचे, तो हमको वापस पीछे जाना पड़ेगा, दूर नहीं है आई गेस, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आप अपना फ़ोन जमा करवा सकते हो, जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं, आपके बैग्स हैं, आपके कपड़े हैं, जो भी हैं आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो आराम से। तो चलते हैं यार, अंदर तो फ़ोन में लेके जा सकता हूँ नहीं, तो आप दर्शन कर लेना। ऊपर है ये रास्ता जा रहा है, जो लाइन देख रहे हो आप, ऊपर है भवन, यहीं से आप दर्शन कर लेना माता के। आई विश फ़ोन अलाउड होता तो मैं करता, मिलता हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द। माता रानी के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही क्राउड था अंदर इसलिए टाइम लग गया, अभी के बाद से हम सीधा जाएंगे। अभी मेरा कज़न और मेरा भाई जा चुका है अंदर दर्शन करने के लिए, अभी सीधा इसके पास जाएंगे हम, भैरव घाटी। दीपांशु जी, तेरा क्या सीन आगे चलने का? आगे भैरव घाटी जाएंगे, भैरव घाटी जाएंगे, पूरे दर्शन होंगे नहीं ना, हाँ दर्शन मान जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ना, माता रानी के दर्शन करके अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो वो दर्शन आपके आज दर्शन माने जाते हैं। तो चलते हैं भाई, पैरों की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि हम जैसे हम नहा के बाहर आए थे ना, पर वहाँ पे हम खड़े हो गए 1 घंटा, क्योंकि अंदर क्राउड बहुत है, तो पैर जो है ना सुन पड़ गए हैं, खून रुक गए हैं, तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो लेट्स सी, चलते हैं और आगे का पार्ट में जल्दी शूट करूँगा, मिलता हूँ जल्दी। भाई ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था भैरव बाबा का रास्ता, ये देखो पीछे ये चढ़ाई है, सबसे जो मैंने आपको बताया था कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो चढ़ाई है ना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये चढ़ाई एज़ कम्पेयर टू कटरा से जो चढ़ाई चढ़ के आए ना, उसमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो चलते हैं सीधा, मैं आपको मिलता हूँ भैरव बाबा के दर्शन पे, सॉरी भैरव बाबा के मंदिर पे, वो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भाई भैरव बाबा की चढ़ाई हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं,
चढ़ाई देख लो एक बार यार, और वहाँ भी देख लो कैसे खड़ी चढ़ाई है। इंटरेस्टिंग है, ब्रीदिंग तेज हो रही है, बट मज़ा आ रहा है। माता रानी का नाम लेके चढ़ते रहो, अच्छा लगेगा। आपको लकड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऊपर चलने के लिए, ठीक है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना, वरना वो दर्शन आपके आधे रह जाएंगे। तो टोटल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये भैरव बाबा की, लेकिन खून सुखा देती है। यू कैन सी मेरी ब्रीदिंग ऐसे तेज हो रही है। तो अब आए हैं तो दर्शन तो पूरे करेंगे। ये देखो साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये जो रोड है थोड़ी छोटी है, ब्रॉड नहीं है, तो कोई नहीं पहुंच जाएंगे। चलते आगे, मिलता हूँ मैं आपको बाद में। भाई 7 मिनट का रास्ता रह गया। वो देखो ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा तो जहाँ पे लाइट चल रही है, सीढ़ियों ने खून चूस लिया है। जैसे आपको नीचे कटरा से लेके ऊपर तक आते थे जो सीढ़ियाँ मिलती हैं ना आपको, ये सीढ़ियाँ उससे ज़्यादा खतरनाक है यार, रास्ता आता कर देती हैं, लेकिन मज़ा आ जाता है सच में। आप अभी देख ही सकते हो मेरे को किस तरह से मैं हाँफ रहा हूँ, मेरी ब्रीदिंग फास्ट कितनी हो गई है। ये लास्ट सीढ़ियाँ सीधा भैरव घाट, मिलता मैं आपको आगे। लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना बिलीव में, एक बार यहाँ पे जरूर आना, आपको एक्सपीरियंस अपने आप हो जाएगा। बहुत मज़ा आता है यार, 5 से 7 मिनट का रह गया डिस्टेंस बस बाबा से रहने के लिए। भाई हालत बहुत बुरी है सच बताऊँ तो, चल चल आ जा, लास्ट पार्ट है। 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट ऊपर होगा, तू आएगा नेक्स्ट टाइम? आऊँगा क्यों नहीं भाई। हाँ दिख रहे तेरे आने से भाई, सीढ़ियाँ रास्ता आता कर देती हैं लेकिन खून जरूर चूस लेती हैं, ये बात है, ठीक है। तो सबकी हवा टाइट है, सबकी सांसें फूल रही हैं। मैं तो देखो भाई 4 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ, लेकिन मेरी जो भी हालत है ना, ये देखो भाई, कुछ कहो भाई कैसा लग रहा है, व्लॉगिंग चल रही है बताओ। भाई भी टाइट है, भाई की सांस फूल चुकी है, ठीक है, सीधा ऊपर, जय माता दी। भाई ये कितना क्यूट सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? आर्यवीर। आर्यवीर कहाँ रहते हो? मैं नजफगढ़। नजफगढ़ दिल्ली से हो? हाँ। NCR? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा फैमिली आपकी पूरी? भाई हालत सबकी टाइट है, थोड़ा सा रास्ता है 2 किलोमीटर का, लेकिन खून चूस लेता है। प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस, क्योंकि मेरी सांसें बहुत फूली हुई हैं अभी इस वक्त। मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, बहुत मज़ा आता है वैष्णो देवी में यार, स्पेशली वैष्णो देवी के बाद जो भैरव बाबा के दर्शन होते हैं ना, टोटली अमेजिंग। भाई ये देखो, फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बहुत चुपके ले रहा हूँ। भैरव बाबा की भभूति है ये, वो देख लो चल रही है सामने। भाई भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आप देख सकते हो ना नीचे, और लाइटें देख रहे हो, जम्मू सिटी प्लस कटरा, मैं आपको भवन दिखाता हूँ एक मिनट। देखो अंधेरा है, 1 बज रहा है, श्री भवन। ये व्यू है जो कि बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। दर्शन हो गए हैं भैरव बाबा के भी, माता रानी के भी, तो चलते हैं नीचे, क्योंकि हमको 4 बजे तक नीचे पहुंचना है, क्योंकि 4 बजे जो है पहली बस चलती है कटरा टू जम्मू, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, दीपांशु भी रेडी है, खाएंगे कुछ और उसके बाद आपको आएगा शूट दिखाएंगे। ये हम जहाँ से आए थे वहीं से भी वापस जा रहे हैं। दर्शन भी हो गए हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नीचे सीढ़ियाँ लेके, क्योंकि यार चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उतरते वक्त बहुत ईजी रहता है। देखो सीढ़ियाँ भी कुछ कम नहीं है यार, ढलान में है। तो चलते हैं सीधा वहाँ पे, हम रुकेंगे एक यहाँ पे बहुत फेमस होटल है जिसका नाम है नथू। बहुत अच्छे अच्छे खाने की डिशेज मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं, उसके बाद मैं सीधा आपको मिलूँगा। दीपू कहाँ मिलेंगे उसके बाद? सीधा सीधा नीचे कटरा में, कटरा, ठीक है। सीधा कटरा मिलूँगा मैं आपको और वहीं का शूट लूँगा। तो सी यू सून। तो भाई जय माता दी,
फाइनली अब हम कटरा पहुंच चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ से 5-6 मिनट का रास्ता हो रहा है। ये बैठे हैं दीपांशु और निखिल, मसाज करवा रहे हैं अपनी। वो आपको थोड़ा उससे ये होता है कि थोड़ा पैरों में रिलीफ मिलता है, नेक में रिलीफ मिलता है। तो 5 से 7 मिनट का रास्ता हो रहा है भाई, कटरा से लेके अदकवारी, अदकवारी से लेके हिमकोटी और हिमकोटी से लेके भवन तक, भवन से लेके भैरव घाटी तक। जो रास्ता था बहुत ही अच्छा था, एडवेंचर था। जो लास्ट था आपका भैरव घाटी का, जो कि भवन से आ गया था, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं बट हाँ डिफिकल्ट था, क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कैसे सांसें फूल रही थी। तो ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको एक बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय माता दी, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय माता दी।